देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। शाबाश मौसम। 6 वर्ष की उम्र में पाया विशेष मुकाम। लोक नृत्य में मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। शाहजहांपुर में संपन्न जश्न एक कल्चर कार्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने आप को साबित। सहारनपुर आगमन पर मौसम को किया सम्मानित। चैंपियन माँ की चैंपियन बेटी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की विशेष रिपोर्ट। सहारनपुर की उभरती प्रतिभा की धनी बेटी ने शाहजहांपुर में संपन्न डांस कंपटीशन में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ट्रॉफी जीतकर परिवार सहित जिले का नाम रोशन कर दिखाया। प्रतिभा की धनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाने का सपना संजोते हुए सहारनपुर की बेटी की उम्र मात्र 6 वर्ष की है, परंतु नृत्य में इनकी उपलब्धियां उम्र से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें कि नन्ही चैंपियन की माता भी नृत्य में कई कॉम्पिटिशनों को जीतकर अपने आप को साबित कर चुकी है। चैंपियन माँ और उसकी चैंपियन बेटी के पिता का सपना सिर्फ अपनी प्रतिभावान बेटी मौसम को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाकर सफल बनाना है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में 5 दिवसीय जश्न कल्चर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय नाट्य एवं नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के कई जिलों से एक से बढ़कर एक प्रतिभागियों ने भाग लेकर जीत के लिए दमदार प्रदर्शन किया। इसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए सहारनपुर की 6 वर्षीय बेटी मौसम को भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। जब मौसम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए घर से निकली तो मौसम के पिता प्रणव लोथरा की आंखों में खुशी के आंसू साफ झलक रहे थे कि अब उनकी बेटी जिले स्तर पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के चैंपियनों के बीच अपनी चुनौती पेश करेगी। चैंपियन माँ निर्मल लोथरा, जो कि नृत्य कंपटीशन में कई ट्रॉफी जीतकर अपने आप को साबित कर चुकी हैं, वह भी अपने आप को नहीं रोक पाई और अपनी बेटी का उत्साह वर्धन करने के लिए उसके साथ शाहजहांपुर गई, जहां पर प्रतिभावान 6 वर्षीय बेटी मौसम लोथरा ने लोक नृत्य में अपनी कला का लोहा मनवाते हुए अपने वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर माता पिता समेत जिले का नाम रोशन कर दिखाया। सहारनपुर आगमन पर मौसम डांस एकेडमी द्वारा मौसम को सम्मानित करने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मानसी अभिनय गुरुकुल के अध्यक्ष के गर्ग और निर्देशक योगेश पंवार ने चैंपियन मौसम को सम्मानित करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की विशेष रिपोर्ट। सहारनपुर की एक बेटी शाहजहांपुर से अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन करके आई है डांस एकेडमी से, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे सर से कि सर किस द्वारा, किस प्रकार से इस बेटी ने अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन किया है। हम बात करना चाहेंगे सर से। मेरा ये कहना है कि जो हमारे घरों में टैलेंट है, छिपे हुए टैलेंट है, हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, लेकिन एक संकोच की भावना, एक अच्छा मंच और प्रशिक्षण उनको नहीं मिलता, जिससे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। खासकर लड़के अपने काम पे चले जाते हैं और लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं और वो टैलेंट वहीं का वहीं दबके रह जाता है। इस तरह के महोत्सव होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, डांस कंपटीशन होते हैं, थिएटर कंपटीशन होते हैं, उससे हमारे घरों की निकली हुई प्रतिभाएँ सामने आती हैं और बच्चों को एक मंच मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आइए हम बात करते हैं मौसम के डायरेक्टर योगेश पवार जी से। जी सर, आपका क्या कहना है कि जो मौसम जीत कर आई है उसमें आप? इसको तो देख के प्रतिभाशाली बच्ची है बहुत ज़्यादा। मैंने इसे करीब आज से 3-4-5-6 महीने पहले करीब देखा था, एक प्रोग्राम में मैनेजमेंट करने गया था, तो वहाँ इसको मंच पे मैंने देख के देखा कि इस बंदी में बहुत दम है, यदि इसको सही दिशा मिले और सही गुरु से मिले तो काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। तो वहीं से फिर आगे क्वालिफाई भी करी थी उसी डांस शो में, और फिर शाहजहांपुर में पिछली बार भी हम गए थे 2 महीना पहले, तो तब मैंने सोचा इसे ये मंच दिया जाए जहाँ पे अखिल भारतीय स्तर के कलाकार आते हैं पूरे देश के और वहाँ पे अपनी धाक जमा सकती है, और मेरा अपना सोचना बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। वहाँ पे इसने अपनी ज़बरदस्त धाक जमाई, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पूरी प्रतिभा का इसने वहाँ पे यूज़ किया और सब छा गए सबके दिलों पे। सेल्फी लेने के लिए आतुर हो रहा है, इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर हो रहा, और नन्ही सी बिल्कुल परी की तरह वहाँ घूमती रही है। हम इसके कुछ उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और इसे हर तरीके का सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, और चाहता हूँ आगे ये टीवी सीरियल्स वगैरह में और जो लाइव शोज आते हैं उसमें भी काम करें और अभिनय में भी अपना को दिखाए रुझान, और हमारा जो अभिनय गुरुकुल है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे और फर्दर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ये आगे निकले और सहारनपुर का नाम देश दुनिया में रोशन करे। आइए हम बात करते हैं मौसम लोथरा जी के माता पिता से। मैम, आप
आपका क्या कहना है, आपकी बेटी जीत कर आई है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी जीत के आई है और वहाँ पे इतना एंजॉयमेंट किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो बड़े सर हैं के सर, बाबा सर, उनकी वजह से ही जा पाई है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को तो पता ही था कि प्रोग्राम कहाँ है कहाँ नहीं है, उनकी वजह से हम लोग गए हैं। और मैं चाहती हूँ सहारनपुर का नाम रोशन हुआ है तो देश का, पूरे देश में उसका नाम रोशन होए, हमारी पूरी टीम का नाम रोशन होए। और लेकिन अब यह कि जिम्मेदारियां अब इतनी बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी उसकी पहली सीढ़ी थी, अब आगे की सीढ़ी क्या होती है वो भी देखनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी हमें बहुत पसंद आया, जो भी कुछ हुआ था वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। आइए हम बात करते हैं अब जो उनके पिताजी से, सर आपका क्या कहना है, आपकी छोटी सी गुड़िया जीत कर आई? खुशी तो बहुत होती है, देखो बिटिया मेरी है तो मेरी बिटिया जीत के आई तो खुशी मुझे हुई है। वहाँ पे जो अप्रिसिएशन मिला है वो सिर्फ दो गुरुओं की वजह से, एक योगेश कुमार जी और दूसरे के गर्ग साहब। अगर ये दोनों ना होते तो मेरी बिटिया को वहाँ तक जाने का मौका ना मिल पाता। क्यों, हमें तो उस बात का मालूम ही नहीं। हमें जब इनके थ्रू मालूम हुआ तो मैंने एकदम इजाजत दे दी, मैंने कहा जब इसकी रुचि डांस में है तो इसे डांस में ही आगे बढ़ाना। और डांस जो है शारीरिक बीमारियों से भी दूर रखता है और डांस से जो है आदमी स्वस्थ रहता है, मेन चीज़ ये है। मेरी बिटिया ने अब की बार सेकंड प्राइज लिया, नेक्स्ट में मैं ये दुआ करूंगा सभी की तरफ से कि मेरी बेटी फर्स्ट प्राइज लेके आए, सहारनपुर का नाम इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में रोशन करें। तो देखा आपने, सहारनपुर की नन्ही सी बेटी ने अपने परिवार अपने शहर का नाम रोशन किया है। क्राइम स्टोरी के लिए कैमरामैन ललित कुमार के साथ मैं अंकुर सैनी, सहारनपुर। देख रही है क्राइम स्टोरी।